सबर करो। ये रहा नहीं जाता। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हैं, कुछ अपन नए प्रकार स्टूडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। जो कैसे एडिटिंग करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अकेले ऐसा इंटरेस्ट वीडियो चैनल पर लाता रहता हूं। चलते तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करने वाले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें 916 का आपको क्या करना, प्रोजेक्ट चूज कर लेना है। तो गाइस, यहां से अपन न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर 916 का फ्रेम चूज कर लेंगे। अब क्या होगा गाइस, यहां से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां से एक ऑप्शन दिख रहा हो बैक वाला, तो इस पे बैक आ जाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन पे जाना है और एडिटिंग पे क्लिक कर लेना है। एडिटिंग क्लिक करने के बाद आपको फील स्क्रीन का एक ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके और आपको 4 पे क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जो अपन वीडियो बना रहा है उसका रोटेट ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा और इससे फोटो अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे फुल स्क्रीन में। अब क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से गए वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप वो वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया था। तो गाइस, कुछ फोटो मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आपके मनपसंद आप जैसा चाहो वैसे फोटो की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ फोटो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, कोई आपका गलत फोटो जुड़ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर और डिलीट पे जाकर क्लिक कर देना है फोटो पे क्लिक करके। आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ एक आपको रोटेट इफेक्ट है इसमें लगा लेना है। तो आपको माइनस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और आपको एक क्रोमेटिक जूम में आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, एक इसमें जूम आउट वाला, तो कुछ इस तरह का जूम वाला इफेक्ट रहेगा। तो इसको आपको क्या करना, पूरी वीडियो में एडजस्ट कर लेना। इससे क्या होगा, जो अपन वीडियो बना रहे हैं ये बहुत अच्छा अपने वीडियो लगेगा। तो आपको 0.1 0.3 0.4 करके इस तरह से आपको इसमें इफेक्ट मिलेंगे। तो आपको हर एक क्या करना, हर एक माइनस का ऑप्शन क्लिक करके इसमें अलग इफेक्ट लगाना है। इससे क्या हुआ, हर एक जो फोटो अपना चेंज होगा तो इसमें वीडियो अलग से इसमें एडजस्ट होगा, जो कि मतलब कि ऑटोमेटिक फोटो अलग से अपने ऐड होते चले जाएंगे और अच्छा वीडियो भी अपना लगेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना, सभी में फोटो में ऐड कर लेना। तो अपना लास्ट फोटो और बचा इसमें और ऐड कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस पूरी दिखा देता हूँ, ठीक ना। तो अपना कुछ वीडियो इस तरह से एडिटिंग होगा, देख सकते हो, लाइव मैंने पूरा बता दिया। तो आप इतना क्या करेंगे, यहाँ से अपन लैब जाते हैं, मिडासन क्लिक कर लेते हैं। और गाइस, इसमें एक और खास बात है, इसमें म्यूजिक इफेक्ट वगैरह सब चीज़ आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ प्रोसेस करना नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से सादा सिंपल में वीडियो आपको बनाना सिखाता हूँ, ताकि आपको वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ से अपन बटरफ्लाई वाला एक इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो लेंगे। अगर गाइस, कुछ ऐसा इफेक्ट आपकी वीडियो में आता है जैसे ब्लैक टाइप का हो जाता है, तो आपको क्या करना, इस वीडियो को डिलीट कर देना है। आपको क्या करना, गाइस पहले अपन लैब पर जाकर वीडियो ले आता, अब आपको मीडिया पर जाकर वीडियो ले लेना है बॉय वाला, ठीक ना। तो इस तरह से मीडिया पे जाकर और आपको वीडियो ले लेना है। और गाइस, एक खास और बात, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दूंगा। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं चाहिए, सॉरी, आपको इसका लिंक चाहिए, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे SMS करके वहाँ पे मैं आपको वीडियो जनरेट कर दूंगा। जितना मटेरियल इसमें डालूंगा वो सभी इंस्टाग्राम पे जनरेट कर दूंगा। तो आपको कृपया करके आपको मुझे इंस्टाग्राम पे आके SMS करके मुझसे इफेक्ट ले सकते हो, ठीक ना। गाइस, कुछ आपका इस तरह से वीडियो आ जाएगा। आप क्या करना, गाइस यहाँ से इस वीडियो पे क्लिक कर लेना है, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए सॉरी। तो आप क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करके आपको 3 डॉट पे जाना और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पे लेयर पे क्लिक करते कि इसका एक और पार्ट बन जाएगा। इसके बाद क्या करना, जो फर्स्ट पार्ट था अपन ने एडजस्ट किया था मीडिया के ऑप्शन पर जाकर, इसको अपन को डिलीट कर देना, अपन को सेकंड मॉडल पार्ट वाला रखना है। आप क्या करना, गाइस इस पर क्लिक करेंगे और नीचे चलते हैं, पहले तो स्प्लिट स्क्रीन पर और पहले तो इसका फुल स्क्रीन करके बैक आ जाते हैं, ठीक ना। बैक आने के बाद क्या करना, गाइस यहाँ से म्यूजिक इफेक्ट वगैरह सॉन्ग वगैरह सब चीज़ इसमें डल रहा है, आपको ज़्यादा एडिटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपन चलते हैं क्रोमा की के ऑप्शन पे और इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करते हैं कि हम कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अभी देख सकते हो। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद क्या करना, यहाँ से अगर आपके जो लेयर वीडियो छोटा पड़ा है, फोटो ज़्यादा है, तो आपको क्या करना, इस फोटो पर क्लिक करना और थोड़ा थोड़ा इन फोटो को एडजस्ट इस तरह से आपको क्लिक कर करके और इसको एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फोटो को इस तरह से जूमिंग कम कर करके और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से क्लिक करोगे और आपको बैक आना है, फिर से क्लिक करोगे, इस तरह से आपको क्या करना है, सभी फोटो को एडजस्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि जो अपनी वीडियो रहेगी थोड़ा फोटो फास्ट निकलेंगे और वीडियो अच्छे लगेगा, देख सकते हो ये एडजस्ट हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले राइट के ऑप्शन पे जाकर और इसको पहले तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो कुछ समय आपका मांगेगा, तो कुछ इस तरह से सेकंड चलेंगे, थोड़े से देर अपन वीडियो को बैट कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस इस तरह से कुछ वीडियो अपना कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको बैक आना है, पहले तो बैक आने के बाद जो वीडियो अपने अभी इसमें ऐड किया था, इस वीडियो को पहले तो डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद क्या करना, फोटो पे क्लिक करना और आपको एडजस्ट ऑप्शन पे जाकर और फोन नंबर की लाइन को -100 कर देना। तो सब फोटो
में आपको ऐसा ही करना है, एडजस्ट के ऑप्शन पे नंबर की लाइन को माइनस कर देना। इससे क्या होगा, जो फोटो अपने रहेंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से पूरा मैं आपको लाइव भी दिख रहा हूँ। और अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो गाइस मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पूछ सकते हो डिटेल्स में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है किसी से भी रिलेटेड, कॉइन मास्टर से रिलेटेड, अदर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो गाइस मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर, ठीक ना। तो गाइस जो चैनल है मेरा उसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है दीपक टेक 2MB नाम से, आपको देख लेना है इस पर, ठीक ना। और आपको नहीं मिलता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में दीपक कुशवाहा लेकर आएगा, तो आपको पूरा देख के एडजस्ट करके आपको कर लेना है, ठीक ना। आपके करना गाइस कुछ इस तरह से अपना रहेगा वीडियो, आपके करेंगे इस लेयर पर चलते हैं, मिडासन क्लिक करते हैं, और यहाँ से गाइस जो वीडियो अपने अभी एक्सपोर्ट किया था पहले, तो उस वीडियो को अपन इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ऐड करने क्या करेंगे गाइस, इसके बाद अपन सबसे पहले चलते हैं स्प्लिट स्क्रीन पर, सॉरी अपन क्रॉपिंग पे आ गए, स्प्लिट स्क्रीन पर चलते हैं, और आपको क्या करना है इसका फुल स्क्रीन कर देना है। आपके करना गाइस कुछ इस तरह से अपना वीडियो इतना कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे फिर से इसी वीडियो पर क्लिक करना, और आपको फिर से क्रोमा की ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक ना। क्रोमा की ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसको एनेबल कर देना। एनेबल करने के बाद इसको जो आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गाइस आप यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, जैसा आपका वीडियो का कलर है वैसा यहाँ से आपको वो कलर ऐड कर लेना है, इससे अपना क्या हो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा कलर का। तो गाइस इतना वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको एक बार बैक आना है, फिर से आपको लेयर पे जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से अपन क्या करेंगे एक टेम्पलेट वीडियो लेंगे, जो गाइस मैंने पहले से कुछ टेम्पलेट वीडियो बना रखा था और रख रखा था। तो गाइस सभी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं डाल पाऊंगा, सॉरी आपको। अगर आपको इसका सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे आकर SMS करी मैं डायरेक्ट जनरेट वहीं पे कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिंक डालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब पे, इसलिए मैं आपको ऐसे प्रोसेस बता रहा हूँ। इसलिए इंस्टाग्राम पे आके मुझसे ये मटेरियल सभी मांग सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आपके कहना गाइस यहाँ से अपन सबसे पहले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका क्या करेंगे स्क्रीन कर देंगे। इस तरह से स्क्रीन करने के बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो आपका इस क्या होगा, अपनी वीडियो कुछ कंप्लीट हो जाएगी बन के, तो मैं आपको लाइव चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाते सेम वीडियो बन के अपना कंप्लीट हो गया। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।